आज हम बनाएंगे चिल्ली भाजी की सब्जी, जो ये मोटी वाली मिर्च आती है इसकी सब्जी बनाएंगे टमाटर के साथ में। आइए देखते हैं रेसिपी कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे ये सब्ज मिर्च की सब्जी। सब्ज मिर्च खाने में थोड़ी कम तीखी होती है, बट इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये हमने 8 से 9 यहाँ पे सब्ज मिर्च काट के ले ली है। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 कटे हुए टमाटर। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। अब हम ये पॉट ले लेंगे। पॉट में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब कलौंजी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हम इस पर डालेंगे ये सौंफ। इसके अंदर जाएगा ये 1 पिंच के करीब हींग। देखिए सारे मसाले यहाँ पे पक गए हैं, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये सब्ज मिर्च जो हमने काट के ले ली थी। इसको हम हल्का सा इस तेल के अंदर और मसालों के अंदर फ्राई कर लेंगे। मिर्च हमारी अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के हम इसको, ये देखिए टमाटर के साथ में मिर्चें अच्छे से पक रही हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमारा इसमें अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ये हल्दी का पाउडर और इसमें जाएगा ये 1/2 टीस्पून के करीब धनिया का पाउडर। ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करके इस मसालों को पकाएंगे। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लेंगे, जब तक कि हमारी मिर्च और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए ये हमारी सब्जी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है, सारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी गर्मा गर्म ये चिल्ली भाजी की जो सब्जी है वो बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।